नमस्कार, बीसीएन न्यूज के दिन विशेष कार्यक्रम में मैं दशा आप सभी का स्वागत करती हूँ। इतिहास में 8 फरवरी का दिन शेयर बाजार की दुनिया के लिए खास अहम है। 1971 में इस दिन दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक शेयर बाजार नैस्डेक की शुरुआत हुई थी। अमेरिका के वॉल स्ट्रीट में शुरू हुआ नैस्डेक करीब 5 दशकों से वित्तीय बाजार का केंद्र बना हुआ है। इससे पहले शेयर बाजार में निवेश के लिए ओवर द काउंटर तरीका चलता था। नैस्डेक ने उभरती हुई कंपनियों में निवेश के लिए आईपीओ का प्रचलन शुरू किया। नैस्डेक का मकसद ऐसे बाजार का निर्माण करना था जहां निवेशक शेयरों को तेज और पारदर्शी तरीके से कंप्यूटर की मदद से खरीद बेच सके। यह दुनिया भर के लिए शेयरों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में खरीदने और बेचने का एक वैश्विक बाजार है। 1971 में आज के दिन नैस्डेक की शुरुआत हुई, जो दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक शेयर बाजार था। अमेरिका को वॉल स्ट्रीट पर पिछले 4 दशकों से भी ज्यादा समय से नैस्डेक आर्थिक बाजार का केंद्र बना हुआ है। बाजार में लगी कुल पूंजी के लिहाज से नैस्डेक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टॉक इंडेक्स है। इसके आगे अमेरिका का ही न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है। नैस्डेक शुरू होने से पहले शेयर बाजार में निवेश के लिए ओवर द काउंटर तरीका चलता था। इस इंडेक्स को बढ़ती हुई कंपनियों में निवेश के लिए आईपीओ का प्रचलन भी शुरू हुआ। नैस्डेक को बनाने का मकसद ऐसा बाजार का निर्माण था जहां निवेशक शेयरों को तेज और पारदर्शी तरीके से कंप्यूटर की मदद से खरीद बेच सके। भारत के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन का राष्ट्रपति कार्यकाल 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक रहा। डॉक्टर जाकिर हुसैन मशहूर शिक्षाविद और आधुनिक भारत के दृष्टांत थे। ये बिहार के राज्यपाल और भारत के उपराष्ट्रपति रहे। उन्हें वर्ष 1963 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1969 में असमय देहावसान के कारण वे अपना राष्ट्रपति कार्यालय पूरा नहीं कर सके। आज ही के दिन 1897 में उनका जन्म हुआ था। डॉक्टर जाकिर हुसैन एक ऐसे व्यवहारिक और आशावादी व्यक्तित्व के इंसान थे। इनका जन्म एक शिक्षित और आर्थिक रूप से संपन्न पठान परिवार में हुआ था। उनके परिवार की संपन्नता और समृद्धि की छाप उनके व्यक्तित्व पर साफ दिखाई पड़ती थी। शिक्षा के प्रति उनका रुझान उनके परिवार की ही देन है। उनके पिता ने भी कानून के क्षेत्र में अच्छी ख्याति प्राप्त की थी। वह शिक्षा के महत्व को भलीभांति जानते थे। माता पिता का देहांत होने के बाद भी उन्होंने अपनी पढ़ाई को बिना किसी रुकावट के जारी रखा। मात्र 23 वर्ष की आयु में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपने कुछ सहपाठियों और सहयोगियों के साथ मिलकर नेशनल मुस्लिम यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया की नींव रखी। इसके तुरंत बाद वह अर्थशास्त्र में पीएचडी की डिग्री लेने के लिए जर्मनी चले गए। 1923 में जब वह भारत लौटे, उस समय जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी बंद होने के कगार पर थी। तब उन्होंने इसे बंद होने से रोकने और इसकी दिशा सुधारने के लिए इसका संचालन पूर्ण रूप से अपने अधीन कर लिया। अगले 20 वर्षों तक उन्होंने इस संस्थान, जो ब्रिटिश अधीन भारत को स्वराज्य दिलाने के लिए निरंतर कार्य कर रहा था, को उच्च कोटि की दक्षता प्रदान करते हुए सुचारू रूप से चलाया। स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद उन्हें जामिया मिलिया इस्लामिया का उपकुलपति नियुक्त किया गया। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने शिक्षा सुधार के क्षेत्र में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। उनकी अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को शिक्षा का स्तर बढ़ाने के उद्देश्य से गठित भी किया गया। जामिया मिलिया में अपना कार्यकाल समाप्त करते ही 1956 में वह राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में चयनित हुए। लेकिन लगभग एक वर्ष बाद ही 1957 में वह बिहार राज्य के गवर्नर नियुक्त हो गए और राज्यसभा की सदस्यता त्याग दी। उन्होंने इस पद पर 1962 तक कार्य किया। 1962 में वह देश के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए। शिक्षा और राजनीति के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 1963 में डॉक्टर जाकिर हुसैन को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत के स्वतंत्रता सेनानी, राजनेता, कानून विशेषज्ञ व गुजराती, अंग्रेजी, हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार तथा शिक्षाविद कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी बंबई के गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी रहे थे। भारत सरकार के खाद्य मंत्री पद पर भी वे रहे। उन्होंने मुंबई में भारतीय विद्या भवन की स्थापना की। इन्होंने मुंशी प्रेमचंद के साथ हंस का संवादन भी संभाला था। आज ही के दिन 1971 में उनका निधन हुआ था। कन्हैयालाल मुंशी का जन्म भड़ोस के उच्च सुशिक्षित भार्गव ब्राह्मण परिवार में हुआ था। कन्हैयालाल की प्रारंभिक शिक्षा अपनी माँ के धार्मिक गीतों और कथाओं से हुई। बड़ौदा में अपनी महाविद्यालयीन शिक्षा के दौरान कन्हैयालाल मुंशी को अध्यापक के रूप में अरविंद घोष का स्नानिध्य मिला। इस संपर्क से मुंशी के मन में
औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध हथियारबंद विद्रोह का संकल्प जागा। साथ ही इसी संपर्क ने मुशी के हृदय में भारत की गौरवशाली संस्कृति, बौद्धिक तथा आध्यात्मिक धरोहर के प्रति अगाध श्रद्धा भी भर दी। 1910 में मुंशी ने बंबई विश्वविद्यालय से LLB की उपाधि प्राप्त की और वकालत शुरू करने के बाद बहुत कम समय में ही बंबई उच्च न्यायालय के प्रमुख वकीलों में से एक बन गए। हिंदू कानून पर मुंशी को असाधारण महारत थी, क्योंकि उन्होंने यह ज्ञान केवल कानूनी किताबों से नहीं बल्कि मिताक्षर व धर्म शास्त्रों के गंभीर व तर्क संगत अध्ययन से प्राप्त किया था। 1937 में वह बंबई के गृह मंत्री के रूप में नियुक्त किए गए। 1940 में नवयुवकों व देशवासियों का व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए आह्वान किया, जिसके चलते कन्हैयालाल माखनलाल मुंशी को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में लिप्त आंदोलनकारियों के संबंध में उनके मुकदमे की बहुत महत्वपूर्ण ढंग से वकालत की। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद एम मुंशी भिन्न भिन्न सार्वजनिक कार्यालयों का कार्यभार संभालते रहे। 1948 में वह हैदराबाद सरकार के एजेंट जनरल पद पर नियुक्त किए गए तथा हैदराबाद स्टेट को भारतीय संघ में मिलाने में महत्वपूर्ण प्रामाणिक उत्तरदायित्व को निभाया। BCN न्यूज के दिन विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। ऐसे अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए BCN न्यूज। नमस्कार।